को मारने के लिए तैयार है? कितनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? विनेश फोगाट, ये नाम तो आप सबने खूब सुना होगा और पिछले एक महीने में तो हमेशा से थोड़ा ज्यादा ही। इनके आंसुओं के साथ शायद थोड़े आंसू आपके भी गिरे होंगे और शायद इसी एक महीने में आपका ओपिनियन भी कई बार चेंज हुआ होगा, क्योंकि पिछले एक महीने में हुआ ही कुछ ऐसा, एक के बाद एक घटना, वो भी एक दूसरे से इतर। आज व्यक्तित्व में बात होगी रेसलर टर्न पॉलिटिशियन विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक्स में बेहद करीब आकर मेडल से चूकने वाली भारत के दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट अब खिलाड़ी से राजनेता बन गई हैं। उन्होंने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। विनेश ने यह फैसला हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लिया और अब विनेश इस विधानसभा चुनाव से राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। चलिए विनेश की कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को भारत के हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ। विनेश के लिए कुश्ती कोई नई चीज नहीं थी और ना ही उनके परिवार के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि विनेश उस परिवार से आती हैं जिस पर मशहूर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान दंगल नाम की फिल्म बना चुके हैं। वो राजपाल फोगाट और प्रेमलता फोगाट की बेटी है। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट को पूरा देश जानता है। उनकी बहनें गीता और बबीता भी मशहूर पहलवान रही हैं। अपने शुरुआती करियर में विनेश इन दोनों की छवि में रही। विनेश ने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट की देखरेख में प्रशिक्षण शुरू किया। कठोर और अनुशासित परीक्षण व्यवस्था में उनमें दृढ़ता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के गुण पैदा हुए। विनेश ने कम उम्र में ही राज्य और राष्ट्र स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया था और जल्द ही भारतीय कुश्ती में अपना नाम बना लिया। इंटरनेशनल स्टेज पर विनेश को सबसे बड़ी सफलता साल 2013 में मिली, जब उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। अगले साल यानी 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ और इंशोग एशियन खेलों में विनेश ने गोल्ड और ब्रोंज मेडल जीता। यही प्रदर्शन था जिसने विनेश को रियो ओलंपिक 2016 में मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पहुंचाया था, लेकिन यहां उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। विनेश को कुश्ती में पदक के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक माना जा रहा था। उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और अपने पहले दो मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए शानदार शुरुआत भी की। हालांकि चीन की सुन यानान के खिलाफ अपने क्वार्टर फाइनल के मैच के दौरान उन्हें घुटने में गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैच से बाहर ले जाना पड़ा और उनका ओलंपिक अभियान दिल टूटने के साथ खत्म हो गया। 2019 में विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीता, इतिहास रचा। नूर सुल्तान में विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल पर कब्जा किया। 2020 में टोक्यो में विनेश ने फिर मेडल की उम्मीद जगाई, लेकिन इस बार विनेश ने निराश किया। वो क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। ये विनेश के लिए बहुत बड़ा धक्का था, विनेश इससे टूट गई थी, लेकिन इस पहलवान ने अपने आप को संभाला और मैट पर वापसी की। विनेश ने 2022 में विश्व चैंपियनशिप में फिर ब्रोंज मेडल जीता। भारतीय खेलों में विनेश फोगाट के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। उन्हें अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान मिले। कुश्ती में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में विनेश को 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न 2020 में विनेश को कुश्ती में उनके असाधारण प्रदर्शन और भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए दिया गया और 2021 में विनेश को खेलों में उनके योगदान और एथलीट्स की नई पीढ़ी को प्रेरित करने में उनकी भूमिका के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन अब विनेश के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनके पूरे जीवन में प्रभाव पड़ने वाला था, न सिर्फ विनेश बल्कि उनके जैसे कई महिला खिलाड़ियों के लिए और उन सभी लड़कियों के लिए जो भारत के लिए मेडल लाना चाहती थी। मैट पर अपने दावपेट से विरोधी को चित करने वाली विनेश के लिए साल 2023 बेहद दर्द और संघर्ष से भरा रहा। साल की शुरुआत में वो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ सड़कों पर उतर आई थी।
दिल्ली की कपकपाती सर्दी में विनेश ने अपने साथियों के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमला बोल दिया। इन सभी का आरोप था कि ब्रजभूषण ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इस दौरान विनेश को सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लिया गया। विनेश रोई चिल्लाई, उनकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंची। विनेश ने हार नहीं मानी। विनेश और उनके साथियों ने अपने मेडल तक लौटा दिए। नतीजा यह रहा कि ब्रजभूषण को अपना पद छोड़ना पड़ा। यहां लगा कि उन लोगों को जीत मिल गई है, लेकिन WFI में हुई संजय सिंह की खास एंट्री, जो ब्रजभूषण के करीबी माना जाता है। विनेश फिर उठी, हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार के आश्वासन पर खिलाड़ी अपनी सरकारी नौकरियों पर वापस चले गए। विनेश ने आने वाले पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस बार 50 किलोग्राम वेट के फाइनल में पहुंचकर विनेश ने इतिहास रच दिया। विनेश का कम से कम सिल्वर मेडल पक्का था, वो गोल्ड की दावेदार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, हर कोई विनेश विनेश चिल्ला रहा था। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश की जो तस्वीरें आई, उसने देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। विनेश का हौसला अब पूरा देश बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब दे दिया था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोखा दे दिया। फाइनल मुकाबले की सुबह हुए वजन में विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। विनेश डिस्क्वालिफाई हो गए। पूरे देश को धक्का लगा। मेडल के पास आकर वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर विनेश हार गई थी। इसके बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास का फैसला ले लिया। जब विनेश भारत वापस लौटी तो उनका धूमधाम से स्वागत हुआ, पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आया। वापस आकर विनेश ने राजनीति में आने का फैसला किया, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। विनेश अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में विनेश की चुनौती आसान नहीं होने वाली। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि विनेश और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कांग्रेस का प्लांट किया हुआ था। इस बीच WFI के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी उन पर हमलावर हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब विनेश इस दंगल में जीत पाती हैं या नहीं। खैर, आज के व्यक्तित्व के इस एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और व्यक्तित्व के अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ABP Live।